एंट्री कार से, स्पेशल चाय है ये। 40 का 80 या जो भी है, ये आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि उधर तो भाई स्कैम करना है ना। वो आला कार्ट मेन्यू के हिसाब से दिया जा रहा है स्टैंड। हमसे ज्यादा तो एक्साइटेड ये लग रहा है। अरे भाई साहब, जो किसका होता है। जी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी हम लोग हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पे और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 16382 कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना कन्याकुमारी से पुणे के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, सुबह 8:40 पे कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती है और आपको अगले दिन रात 10:20 पे पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और आज इस ट्रेन में हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली है स्लीपर क्लास में, कोच है S4 और सीट फिर से फेवरेट साइड लोअर 7 नंबर। तो अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से, 5 मिनट डिले। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:55 और अभी फिलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट जो है ना, ये कन्याकुमारी से ही मसाला डोसा और पूरी सब्जी पैक करवा लिए थे। वैसे इस ट्रेन में पैंट्री कोच है तो पैंट्री से भी आप खाना ट्राई कर सकेंगे। सुबह सुबह आपको कुछ नहीं मिलेगा तो सोचे क्यों ना कन्याकुमारी से ही पैक करवा लिए। वैसे मसाला डोसा है सही। वैसे इस ट्रेन में आपको पैंट्री से मिल जाएगा ये ग्रीन वैली, ये भी रेलवे अप्रूव पानी है, 15 का मिलेगा आपको। तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट नागरकोइल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NCJ और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। नागरकोइल जंक्शन जो है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में आता है। 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। वैसे नागरकोइल जंक्शन पे कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 9 बजे और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 10 मिनट डिले। नागरकोइल जो है ये जाना जाता है अपने बनाना चिप्स के लिए और ननगू शरबत के लिए। ननगू शरबत का मतलब समझते हैं, हमको भी नहीं पता था, फिर पता की तो पता चला। हम लोग इधर तार का जो पेड़ होता है ना, तो तार का जो फल होता है ना, कोआ वगैरह जो हम लोग खाते थे बचपन में, उसी का इधर शरबत बनाया जाता है, वो यहाँ का फेमस है, उसी को हम लोग कहते हैं ननगू। मुझे पहली बार पता चला, आप लोग को भी शायद नहीं पता होगा, जो साउथ के उनको पता होगा, जो हम लोग के मतलब नॉर्थ से हैं उन्हें शायद ये नहीं पता होगा ननगू का मतलब होता है तार का पेड़ का फल। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको इस तरीके का दूध पेड़ा मिल जाएगा, 30 का है और ये 100 का भी है, ये 100 का आपको मिलेगा, 75 ग्राम मिलेगा 30 का, 100 ग्राम 48 का और आपको 250 ग्राम, ये 250 ग्राम है, ये 100 रुपये का मिलेगा दूध पेड़ा। इस बार कन्याकुमारी से ढेर सारा चीज़ घर ले जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से लिया ये कोकोनट ऑयल, ये 1 लीटर का लोकल ये कोकोनट ऑयल है, ये मुझे पड़ा 200 का। और साथ ही इधर का फेमस ये बनाना चिप्स, ये 2 पैकेट ले लिए हैं और ये 2 किशमिश का पैकेट और ये जैम वगैरह लिए हैं आयुष्मान ट्विंगल के लिए और ये इमली। इधर का 2 पैकेट गर्म मसाला ले जा रहे हैं और साथ में ये रहा चॉकलेट जो बचपन में आप खाए होंगे और ये रहा कैंडी। ये 1 kg काजू ले जा रहे हैं। तो 87 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 6वां हॉल्ट त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है TBC और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये आता है केरल में और अपनी ट्रेन का कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुँचने का टाइम है सुबह के 10:35 और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है 20 मिनट डिले। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है TBC और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 67 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन जो है टोटल 1940 किलोमीटर की दूरी तय करती है 37 घंटा 40 मिनट में 53 हॉल्ट के साथ।
भाई साहब इस ट्रेन में ये 5 रुपये का क्या है टिकट है, क्या होता है इसे? आई कांट अंडरस्टैंड तमिल। कौन से 40 रुपये का क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये टिकट है शायद, जो इधर से है भाई कमेंट करके बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डेट ऑफ ड्रॉ, अच्छा लक्की ड्रॉ वगैरह है, 40 का 80 या जो भी है, समझ में नहीं आ रहा। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12, तो कुछ देर पहले पेंट्री के स्टाफ आए थे खाने का ऑर्डर लेने के लिए। वैसे पहले दिन इस ट्रेन में, कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन में, आपको वेज मील्स, चिकन मील्स, एग मील्स मिल जाएगा, साथ ही बिरयानी का भी ऑप्शन आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगा। तो हमने खाने का ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही पेंट्री से खाना आता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ इस ट्रेन का पेंट्री का खाना कैसा है। भाई अपना आ चुका है स्टैंडर्ड वेज मील स्ट्रेन का पेंट्री से, तो 151 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट कोलम जंक्शन, स्टेशन कोड QLN, और ये रेलवे स्टेशन आता है केरल में। और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 3 मिनट का। कोलम जंक्शन पे अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:52, और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है 50 मिनट डिले। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है कोलम, और ये जो रेलवे स्टेशन है केरला का सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ एरिया, साथ ही सेकेंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। कोलम जो है ये खास तौर पे जाना जाता है अपने काजू प्रोडक्शन के लिए, काजू इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे 100 से भी अधिक काजू का फैक्ट्री है और यहाँ से पूरे इंडिया में सप्लाई किया जाता है काजू। कोलम जंक्शन पे आपको बिरयानी वगैरह मिल जाएगा, और यहीं से हमने बिरयानी ट्राई किया था जब विवेक एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ का चिकन बिरयानी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था। सामने में ट्रेन लगी हुई है तंजावुर कोलम एक्सप्रेस। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:50 और पेंट्री से आ चुका है अपना स्टैंडर्ड वेज मील। वैसे स्टैंडर्ड वेज मील कोलम जंक्शन से पहले ही दे दिया गया था हम लोगों को, लेकिन क्या है कि स्टेशन कवर कर रहे थे तो आपको नहीं दिखाए। देखिए अगर आप साउथ में ट्रैवल करते हैं ना, तो पेंट्री के खाने में स्कैम 9 के बराबर है, प्रॉपर रेट पर खाना मिलेगा, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आप नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं, हम लोग अपने साइड ट्रैवल करते हैं, वहाँ बहस करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है कि भाई मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, और इधर जो है ना प्रॉपर रेट पे ऑर्डर लिया जाता है बिना बोले बिना कुछ कहे, ये अच्छी बात लगती है मुझे साउथ में। तो ये रहा इस ट्रेन का स्टैंडर्ड वेज मील, जिसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है वेज मील 80 रुपीज़। ये आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर तो भाई स्कैम करना है ना लोगों को। ये देखिए वेज, इसमें वेज सब्जी है तो वेज लिखा हुआ है, इसमें दाल है तो दाल लिखा हुआ है, और ये देखिए दही दिया गया है, और साथ ही अचार देखिए लोकल अचार नहीं है भाई साहब, टॉप्स का अचार दिया जा रहा है, साथ में एक चम्मच है, टिश्यू पेपर है। ये रहा प्रॉपर स्टैंडर्ड वेज मील 13 तारीख को। सही है, किस कोच में आप? ये नेक्स्ट बगल में मैंने देखा आपको वीडियो करते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके।
कर लिया थाली को अनबॉक्स। इसमें मिला है मुझे ये राइस और आलू मटर का ये सब्जी, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल। देखिए करी पत्ता वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और ये भाई साहब दाल देखिए, दाल देख रहे हैं थिकनेस देखिए दाल का। और दही दिया गया है और साथ में ये तीन रोटी दिया गया है। रोटी का साइज भी जो है ना ये देखिए बहुत बड़ा बड़ा रोटी है, तीन रोटी दिया गया है ऐसा ऐसा। तो अभी हमने दाल और सब्जी ट्राई किया, काफ़ी बढ़िया है। स्ट्रेंथ का पेंट्री का खाना आप ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सिर्फ साउथ इंडिया में इस तरह का खाना क्यों मिलता है, प्रॉपर रेट में खाना क्यों मिलता है। इतना अच्छा क्वालिटी वेज मील्स का लस्सी की थाली में दिया जाता है और वही चीज़ अपोजिट होता है हम लोग इधर नॉर्थ इंडिया में। वहाँ स्कैम होता है, पेंट्री में भरा हुआ है स्कैम, हर ट्रेन में स्कैम होता है। जबकि स्टाफ सेम है, इस ट्रेन के जो स्टाफ है ना पेंट्री के, सब नॉर्थ इंडिया के ही हैं, लेकिन इधर स्कैम नहीं होता है। और उधर हम लोग के साइड बिल्कुल अपोजिट, भर भर के स्कैम। उधर तो बताया ही नहीं जाता है कि भाई स्टैंडर्ड वेज मील भी होता है, अस्सी की थाली भी होती, नहीं बताया जाता है, सीधे स्पेशल थाली। ऐसे में कैसे काम चलेगा, इधर स्पेशल थाली का नामो निशान नहीं है भाई साहब। ये देखिए रिंग, नेल कटर, ये सब इस ट्रेन में आपको मिल जाएगा। आंटी बेच रही है। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट, कोट्टयम रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है KTYM और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 3 मिनट का। कोट्टयम रेलवे स्टेशन ये केरला में आता है, 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और यहां पे अपनी कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है 1:47 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 50 मिनट डिले। कोट्टयम को हम लोग अक्षरों का शहर भी कहते हैं क्योंकि प्रिंट मीडिया और साहित्य के महत्व के कारण, योगदान के कारण इसे अक्षरों का शहर कहा जाता है। साथ ही भारत का पहला ऐसा शहर है कोट्टयम जिसने 100% साक्षरता हासिल की है। ये सामने में है कोट्टयम सरकारी बस स्टैंड। स्टेशन के जस्ट बगल में
तो 380 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट त्रिशूर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है TCR, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 3 मिनट का। त्रिशूर रेलवे स्टेशन ये केरला में आता है, 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है 4:52, और हम लोग जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची लगभग 25 मिनट डिले। वैसे त्रिशूर को हम लोग केरला का कल्चरल कैपिटल कहते हैं, साथ ही ये कमर्शियल और बिजनेस हब है साउथ इंडिया का। तो देखिए त्रिशूर रेलवे स्टेशन के स्टॉल पे आपको ये जैक फ्रूट का पेड़ा मिल जाएगा, ये देखिए कटहल का पेड़ा, ये कैरोट का पेड़ा, मतलब गाजर का पेड़ा, ये सब आपको मिल जाएगा। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:50, और अपना चाय आ चुका है पेंट्री कार से, स्पेशल चाय है ये, और साथ ही ये मिर्ची भजिया आया है। ये आपको इस ट्रेन में पेंट्री से मतलब 4:00 के बाद ही ट्रेन में बिकने लगता है, वो कुछ यूनिक लगा तो सोचे ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। हल्का ठंडा हो गया क्योंकि 4:00 से बेचा जा रहा था, लेकिन टेस्ट सही आ रहा है। अभी चाय पी रहे थे तो देखे चाय के कप पे पूरा मेन्यू है IRCTC का, वेज मील मतलब वेज बिरयानी 80 का, स्टैंडर्ड वेज मील 80 का, अंडा थाली 90 का, एग मील है, चिकन बिरयानी है, डिप टी 10 रुपया, कॉफ़ी 10 रुपया, रेल नीर 15 रुपया, हर चीज़ इसी में मेंशन है। ये सही लगा मुझे यार। शाम के बज रहे हैं 7:46, और अपना डिनर आ चुका है पेंट्री से, और अभी जो डिनर दिया जा रहा है वो आला कार्ट मेन्यू के हिसाब से दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड वेज मील इस ट्रेन में आपको सिर्फ लंच में मिलेगा। तो भाई साहब अब टाइम हो चुका है डिनर करने का। वैसे एक बात बता दें, इस ट्रेन में पेंट्री तो है लेकिन पेंट्री में खाना बनता नहीं है, स्टेशन से बोर्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे पहले दिन का आज का लंच जो है वो त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से बोर्ड किया गया था, और अभी डिनर जो है ये पलक्कड़ जंक्शन से बोर्ड किया गया है, और कल का दूसरे दिन का लंच जो है ये गुंतकल रेलवे स्टेशन से बोर्ड किया जाएगा। पेंट्री रहते हुए भी पेंट्री में खाना नहीं बन रहा है, स्टेशन से ही बोर्ड किया जा रहा है, लेकिन खाना भाई साहब एक नंबर है। इस ट्रेन का लंच हम लोग ट्राई किए थे स्टैंडर्ड वेज मील, और अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं अंडा थाली, थाली नहीं कह सकते हैं, एक करी और चपाती ट्राई करने वाले हैं। तो IRCTC के आला कार्ट मेन्यू के हिसाब से एक करी होता है 50 रुपये का, तो अभी हमने लिया है एक करी, साथ ही हमने लिया है ये पराठा जो कि 10 रुपये पीस पड़ता है IRCTC के आला कार्ट मेन्यू के हिसाब से। अभी रात में जो है वो स्टैंडर्ड वेज मील वगैरह आपको इस ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगा, आला कार्ट के मेन्यू के हिसाब से ही आपको खरीदना पड़ेगा। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा ये आला कार्ट मेन्यू क्या है, भाई आराम से आपको कभी दूसरे ब्लॉग में समझा देंगे। ये भी IRCTC का एक मेन्यू है, इसमें अलग से पनीर लीजिएगा ना आला कार्ट के मेन्यू के हिसाब से, तो 100 रुपये का पनीर आएगा जिसमें 100 ग्राम पनीर होगा और 150 ग्राम ग्रेवी होगा। वही अगर आला कार्ट के मेन्यू के हिसाब से अगर आप अंडा ग्रेवी लेते हैं तो वो 50 का पड़ेगा, और रोटी पराठा का 10 रुपये पीस के हिसाब से पड़ता है। वही अगर आप चिकन लेते हैं चिकन ग्रेवी, वो आपको 100 रुपये पड़ेगा आला कार्ट के मेन्यू के हिसाब से। तो चलिए ट्राई करते हैं। वैसे ग्रेवी तो देखिए लाजवाब लग रहा है ग्रेवी, वाह। क्या खाना है भाई साहब, एक नंबर। वैसे आला कार्ट के मेन्यू के हिसाब से 50 का अंडा करी, 5 पराठा लिए 10 रुपये के पीस से, तो 100 रुपये पड़ा इस थाली का, ठीक है। वही अगर स्टैंडर्ड अंडा थाली होता तो वो 90 का पड़ता, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं था इस वजह से लेना पड़ा। छह सौ 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 30वां हॉल्ट
ई रोड जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ED, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। ई रोड रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का रात के 9:35, और हम लोग जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है, पता है कितने लेट? मात्र 20 मिनट लेट। वैसे ईरोड जो है ये जाना जाता है अपने टर्मरिक कल्टीवेशन के लिए, साथ ही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और देखिए ईरोड जंक्शन पे आपको ये मोबाइल कवर वगैरह मिल जाएगा, इसका भी स्टॉल है, वैसे ढेर सारा स्टॉल है यहाँ पे, हर एक फैसिलिटी आपको मिल जाएगी उस स्टेशन पे। जैसे ये रहा मसाज चेयर, यहाँ आप मसाज करवा सकते हैं। तो भाई ये रहा इस ट्रेन का खाने का बिल, ये हम लोग स्टैंडर्ड वेज मील लंच किए थे, इसका बिल है ये 80 का, स्टैंडर्ड वेज मील 80। और अभी हम लोग आला कार्ट के हिसाब से हम लोग डिनर किए थे, एक करी 50 का था वो। वैसे अभी सोने जा रहे थे लेकिन अभी पता चला कि भाई 90 सब्सक्राइबर बचा हुआ है 1 मिलियन हिट करने में। तो अभी लैपटॉप खोले हैं जस्ट, 89। हमसे ज्यादा तो एक्साइटेड ये लग रहा है। अरे भाई साहब, जो किसका होता है वो एक्साइटेड नहीं होता है भाई, हमें काफी टाइम से इंतजार था। तो वैसे अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन पे, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:40, और तिरुपति रेलवे स्टेशन पे कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट था, और हम लोग यहीं पे डिबोर्ड कर गए हैं ट्रेन से। वैसे तिरुपति रेलवे स्टेशन पे कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 4:15, और हम लोग यहाँ पहुँचे थे 20 मिनट डिले, मतलब तिरुपति तक ये ट्रेन लगभग पंक्चुअली कह सकते हैं 15-20 मिनट डिले है। वैसे भाई बहुत टाइम दिया गया है इस ट्रेन को, 1940 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये ट्रेन लगभग 38 घंटा का समय लेती है, और आज ही रात में ये ट्रेन 10:40 पे पहुंचा देगी हम लोग को पुणे रेलवे स्टेशन। लेकिन हम लोग यहीं पे डिपोर्ट कर गए हैं, इस ट्रेन को दोबारा कवर करेंगे, तिरुपति से ही कवर करेंगे। वैसे रात भर सोए नहीं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर आज ही पूरा हुआ, उसी के सेलिब्रेशन में लगे हुए थे, 1 बजे तक जगे थे, फिर सुबह में उठना भी था, इस वजह से हम सोए नहीं। लेकिन मेरे साथ में 2 पार्टनर थे, वो सो गए थे तो मुझे जगना पड़ा। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं। वैसे इस ट्रेन का बाथरूम का कंडीशन बढ़िया है, सबसे बड़ी बात पेंट्री का खाना इस ट्रेन का भाई साहब लाजवाब है, बहुत बढ़िया खाना था। मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगातार इस तरह भाई से जर्नी करते रहे। सी यू सून, डिनर पीस बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू। वैसे इस ट्रेन का सेकेंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, पहला पार्ट यहाँ तक हम लोग कवर किए तिरुपति तक, दूसरा पार्ट तिरुपति से हम लोग जाएंगे पुणे। बाय बाय।